नौगछिया से पटना पढ़ने आए 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने हथियार के बल पर सातिराना अंदाज में लाखों रुपए की ज्वेलरी व नकदी की लूट की है। पटना के एसएसपी ने मामले का उद्भेदन किया है। दो लड़के इसमें नौगछिया के हैं, शुभम कुमार, इसी का लॉज था, यही लोग लॉज में रूम लिए हुए था, ये भी नौगछिया का रहने वाला है। इसका दूसरा सहयोगी जो है वो यहाँ अपराध करने के लिए आया था, इसी का हम उम्र है, हालांकि भागलपुर में रहता है, वो पटना में नहीं पड़ता है। जी हाँ, पटना पुलिस ने सिपूरी इलाके में 2 सितंबर को हुई लूट का खुलासा कर दिया है। आरोपियों तक पहुंचने के लिए 36 घंटे तक पुलिस वाले स्टूडेंट बनकर एक लॉज में रुके रहे। अपराधियों ने महावीर ज्वेलर्स में हथियार के दम पर करीब 3 लाख रुपए की ज्वेलरी और 20,000 रुपए कैश की लूट की थी। वारदात के 10वें दिन पटना पुलिस ने इस कांड का खुलासा कर दिया। सोशल मीडिया के जरिए इन लोगों ने बहुत सारी मूवीज देखी, अपराध में इन लोगों ने बहुत अलर्टनेस ही बढ़ता, जो पूछताछ में इन्होंने बताया, जैसे आप लोग देखे होंगे, आप लोगों को पता चला होगा कि जब अपराधी घटनास्थल पर पहुंचे तो इन लोगों ने हाथ में ग्लव्स पहना था, सर्जिकल ग्लव्स जो हम लोग पहनते हैं, जो आपका कंपाउंडर वगैरह पहनते हैं, तो पूछने पे क्यों पहना था, तो मेरा काउंटर पे फिंगरप्रिंट नहीं आया, तो ये कहां से सीखे, तो ये सिनेमा देखे तो उसमें सीखे। एसएसपी उपेंद्र कुमार शर्मा के खुलासे में सबसे चौंकाने वाली बात ये सामने आई कि लूट में शामिल 4 में से 3 आरोपी स्टूडेंट्स हैं। इसमें एक डी फार्मा का तो 2 लड़के इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे थे। तीनों ने अपने नौगछिया के दोस्त के साथ मिलकर इस लूट की वारदात को अंजाम दिया था। वारदात को अंजाम देने के लिए आरोपियों ने हाथों में सर्जिकल ग्लव्स पहन रखे थे, जिससे एफएसएल की टीम को फिंगरप्रिंट नहीं मिल पाए थे। इस केस में 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें शुभम कुमार, करण कुमार और आदित्य हर्षवर्धन शामिल है, जबकि नौगछिया से आया इनका 4था साथी आशीष फरार है। इन तीनों को पुनाईचक के एक लॉज से पकड़ा गया है। इनके पास से लूटी गई पूरी ज्वेलरी बरामद हो गई है। वारदात में शामिल की गई पिस्टल, 2 मैगजीन, 14 गोली और 2 बाइकों को भी बरामद किया गया है। मात्र पुलिस की परिवार की जिम्मेवारी नहीं है, ये तीनों लड़कों का करियर बर्बाद हो रहा है परमानेंटली, इनका भविष्य बर्बाद हो रहा है परमानेंटली, इसमें कोई स्कोप नहीं है कि पुलिस इनको मदद कर सकती है। और इसकी पूरी जिम्मेदारी इनके पेरेंटिंग की है, इनके गार्जियंस की है। इनका फर्स्ट अपराध है और फर्स्ट अपराध इस तरह से इन लोगों ने कर दिया। मोबाइल सबके पास महंगा है, 20,000 का, 25,000 का, 30,000 का, 2 पिस्टल था, 50,000 का पिस्टल है, तो ये अपने आप में बहुत ही सरप्राइजिंग इंसिडेंट, मतलब ऐसा इंसिडेंट होना अपने आप में अजीब है। अब इंस्पिरेशन कहाँ से मिल रहा है, गाइडेंस तो देना था परिवार को, नहीं दिया। हथियार कहाँ से मिला? हथियार जो दूसरा लड़का है भागलपुर में जो करता था, नौगछिया का जो है, वही लेके आया था। एक इसका हथियार यहीं रख दिया, अब वो लड़का पकड़ना बाकी है। उससे सब लोग साथ के दोस्त हैं, सब हम उम्र हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे। एक लड़का इसमें बायोलॉजी पढ़ रहा है, डी फार्मा करना चाहता था, बाकी 2 लड़के PCM कर रहे हैं, इंजीनियरिंग करना चाहते थे, सब अच्छे परिवार के हैं। एक का पिताजी ठेकेदार हैं, एक के पिताजी SPFCI में कर्मी हैं यहाँ पर बक्सर में, और एक और व्यक्ति है, उसके पिताजी क्या करते हैं, बिल्डर हैं, ठेकेदार हैं। पैसे की कोई कमी नहीं है, और जाहिर सी बात है जो परिवार पटना में बच्चे को रख के पढ़ा रहा है, महीने का 15,000 खर्चा तो कर ही रहा है, लेकिन इसमें इस पूरे घटना और उसके उद्भेदन में एक ही चीज़ रिमार्केबल है कि 3 नौजवान का करियर बर्बाद हो गया। रविवार को खुलासा करते हुए SSP ने बताया कि 7-8 सितंबर को ही इस कांड में पुलिस को लीड मिल गई थी, मगर किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। दिक्कत अपराधियों की पहचान को लेकर थी। इतना पता चल गया था कि अपराधी पुनाईचक के अटल पथ से सटे एक लॉज में रहते हैं। फिर लॉज के मालिक के साथ सेटिंग की गई। पुलिस की टीम 36 घंटे तक 5 कमरों वाली लॉज में रही, अंदर ही अंदर छानबीन चलती रही, तब जाकर पहचान हुई। तीनों को वहीं से गिरफ्तार किया गया है। तीनों आरोपी सिपूरी ईस्ट में कोचिंग में पढ़ते हैं।
उसी दौरान रोड नंबर 0 पर महावीर ज्वेलर्स की रेकी की थी। इसके बाद पुनाईचक के लॉज में रहने लगे। शुभम नौगछिया का तो आदित्य भोजपुर का रहने वाला है। एक के पिता ठेकेदार, दूसरे के पिता FCI कर्मचारी, तो तीसरे के पिता बिल्डर है। शुभम कुमार और करण कुमार एक साथ लॉज में रहते हैं, जबकि आदित्य पटना में गर्दनी बाग में साई मंदिर के पास सुंदरी इनक्लेव अपार्टमेंट में रहता है। ज्वेलरी शॉप के अंदर शुभम अपने फरार दोस्त आशीष के साथ गया था, जबकि करण और आदित्य बाइक लेकर बाहर खड़े थे। लूट के बाद दहशत फैलाने के लिए उस रात फायरिंग भी की थी। अगले दिन मीडिया में खबर आने के बाद ये डर गए थे। तीनों का यह पहला क्राइम था। इस कारण रुपये तो खर्च कर दिए, लेकिन ज्वेलरी को बेच नहीं पाए। 50,000 में आशीष नौगछिया से दो पिस्टल खरीद कर लाया था। एक बरामद हो गई और दूसरी आशीष के पास है, जिसे पकड़ने के लिए छापेमारी चल रही है। इन लोगों से जब पूछताछ हुई तो ये इन लोगों का पहला अपराध है। अभी तक रिकॉर्ड्स में भी हम लोगों ने जेल के आंकड़ों में भी इनको सर्च किया तो अभी तक कुछ मिला नहीं है। दो लड़के इसमें नौगछिया के हैं, शुभम कुमार, इसी का लॉज था, यही लोग लॉज में रूम लिए हुए था, ये भी नौगछिया का रहने वाला है। इसका दूसरा सहयोगी जो है वो यहाँ अपराध करने के लिए आया था, इसी का हमउम्र है, हालांकि भागलपुर में रहता है, वो पटना में नहीं पड़ता है। करण कुमार दूसरा लड़का है, जो कि मूलतः भोजपुर जिले का रहने वाला है, यहाँ शास्त्री नगर इलाके में किराए पे रहता है। एक लड़का और है आदित्य हर्षवर्धन, ये भी भोजपुर का रहने वाला है, लेकिन इसका अपना यहाँ आवास भी है, अनिसाबाद गोलंबर के पास साईं मंदिर के पास एक फ्लैट है। ये तीनों लड़के यहाँ पटना में इनके परिवार वालों ने, गार्जियंस ने कोचिंग के लिए यहाँ भेजा था। SK पुरी में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, टॉपर्स गाइडेंस, वहाँ ये लोग 11th 12th की पढ़ाई करते हैं, और सोशल मीडिया के ज़रिए इन लोगों ने बहुत सारी मूवीज़ देखी। अपराध में इन लोगों ने बहुत अलर्टनेस ही बढ़ता, जो पूछताछ में इन्होंने बताया, जैसे आप लोग देखे होंगे, आप लोगों को पता चला होगा कि जब अपराधी घटनास्थल पर पहुँचे तो इन लोगों ने हाथ में ग्लव्स पहना था, सर्जिकल ग्लव्स जो हम लोग पहनते हैं, जो आपका कंपाउंडर वगैरह पहनते हैं। तो पूछने पे क्यों पहना था, तो मेरा काउंटर पे फिंगरप्रिंट नहीं आया, तो ये कहाँ से सीखे, तो ये सिनेमा देखे तो उसमें सीखे। कपड़ा सबने बदल लिया रास्ते में, इन लोगों ने कपड़ा भागते वक्त जो पार्क है एनर्जी पार्क, उस गली में इन्होंने कपड़ा फेंक दिया था, और जानबूझ के इन लोगों ने बहुत ही ब्राइट कलर का लाल रंग का कपड़ा और ब्लू रंग का कपड़ा पहना था, उसी दिन खरीदा हुआ, कि पुलिस फोटो देख के पीछा करेगी तो कपड़ा बदल देंगे तो हम लोग पहचान नहीं होगा। सब ने हेलमेट पहना था ताकि किसी का चेहरा नहीं आए। दिमाग की कमी नहीं है, बुद्धि बहुत है, गाइडेंस की भारी कमी है। कोचिंग संस्थान ने भी ध्यान नहीं दिया कि उसका स्टूडेंट क्या कर रहा है, और पेरेंट्स जो नौगछिया में रहते हैं चाहे भोजपुर में रहते हैं, उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि वो बच्चे उनके क्या कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, पिस्टल कैरी कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ बातें परिवार तक, गाइडेंस तक, कोचिंग तक नहीं पहुँचे, ये बहुत गलत बात है, ये माना नहीं जा सकता है। मात्र पुलिस की परिवार की जिम्मेवारी नहीं है। ये तीनों लड़कों का करियर बर्बाद हो रहा है परमानेंटली, इनका भविष्य बर्बाद हो रहा है परमानेंटली। इसमें कोई स्कोप नहीं है कि पुलिस इनको मदद कर सकती है, और इसकी पूरी पूरी जिम्मेदारी इनके पेरेंटिंग की है, इनके गार्जियंस की है। इनका फर्स्ट अपराध है, और फर्स्ट अपराध इस तरह से इन लोगों ने कर दिया। मोबाइल सबके पास महंगा महंगा है, 20,000 का, 25,000 का, 30,000 का, दो पिस्टल था, 50,000 का पिस्टल है, तो ये अपने आप में बहुत ही सरप्राइजिंग इंसिडेंट है। मतलब ऐसा इंसिडेंट होना अपने आप में अजीब है। अब इंस्पिरेशन कहाँ से मिल रहा है, गाइडेंस तो देना था परिवार को, नहीं दिया। हथियार जो दूसरा लड़का है भागलपुर में जो करता था नौगछिया का, जो है वही लेके आया था। एक इसका हथियार यहीं रख दिया, अब वो लड़का पकड़ना बाकी है। उसके सब लोग साथ साथ के दोस्त हैं, सब हम उम्र हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे थे। एक लड़का इसमें बायोलॉजी पढ़ रहा है, डी फार्मा करना चाहता था, बाकी दो लड़के PCM कर रहे हैं, इंजीनियरिंग करना चाहते थे। सब अच्छे परिवार के हैं, एक का पिताजी ठेकेदार हैं,
एक के पिताजी SPFCI में कर्मी हैं यहाँ पर बक्सर में, और एक और व्यक्ति है उसके पिताजी क्या करते हैं, बिल्डर हैं, ठेकेदार हैं। पैसे की कोई कमी नहीं है, और जाहिर सी बात है जो परिवार पटना में बच्चे को रख के पढ़ा रहा है महीने का 15,000 खर्चा तो कर ही रहा है, लेकिन इसमें इस पूरे घटना और उसके उद्भेदन में एक ही चीज़ रिमार्केबल है कि 3 नौजवान का करियर बर्बाद हो गया। कोचिंग इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी बनती है? बिल्कुल बनती है। कोचिंग इंस्टीट्यूट में कोई बच्चा पढ़ता है वो पैसा देता है सिर्फ ज्ञान पाने के लिए नहीं, उसका टेम्पररी गार्जियनशिप यहाँ पर है। अगर उस कोचिंग नहीं जाता है तो उसका फ़ोन जाना चाहिए गार्जियन को, वो अगर पढ़ाई नहीं कर रहा है, टेस्ट में कम नंबर आता तो फ़ोन जाना चाहिए गार्जियन को। ये मेरा काम नहीं है, इसमें पुलिस क्या करेगी? पुलिस कोचिंग वाले को ये नहीं ना सिखाएगी कोचिंग कैसे कराना है। सबका फेलियर पुलिस के मत्थे नहीं आ सकता है। ये आप लोग की जानकारी के लिए कर सकते हैं ना, इसमें मेरा रोल ही नहीं है। मैं कैसे इंस्ट्रक्ट करूँ कि आप टेस्ट में इतना नंबर ले आया उसको आप फोन पे बात करिए? फिर अपराध करेंगे। तो ये ओनस लेना है, कोचिंग करने के लिए उन्होंने स्वायत्तता से कोचिंग संस्थान खोला है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना चाहिए। एक टेम्प्रेरी गार्जियनशिप यही ना है उसका? शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में शिवपुरी मोहल्ला है, वहाँ रात में लगभग 8:30 बजे एक स्थानीय महावीर ज्वेलर्स हैं, बहुत छोटी सी हम्बल सी दुकान है, नया ही शुरू हुआ है, रोड नंबर 0 में ये घटनास्थल है। तो 8:30 के लगभग में वहाँ 2 अपराधकर्मी घुसते हैं, हथियार के बल पर आभूषणों की लूट करते हैं, और कुछ कैश रहता है वहाँ 20 से 25,000 रुपये, उसकी लूट होती है। इसका FIR हम लोग दर्ज करते हैं। घटनास्थल पर तरक्षण उसी मौके पर SPCT पहुँचे थे और हम लोगों ने इसका अनुसंधान प्रारंभ किया था। अगले दिन मैंने भी घटनास्थल का मुआयना किया था और जो विक्टिम है उनसे बात की थी, तो उसके बाद से कुछ लीड्स हम लोगों को मिले थे। घटनास्थल का उद्भेदन हम लोग 7-8 तारीख तक कर लिए थे, लेकिन जहां अपराधकर्मियों के रहने की बात थी वो एक बहुत ही कंजस्टेड इलाका है, पुनाईचक में जो आप अटल पथ से सटे हुए जो सम्प हाउस देख रहे हैं वहाँ से बगल में ही एक लॉज है, संकीर्ण गली, उसमें एक लॉज है, वहाँ ये लोग रहते हैं, और आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल था। तो इन लोगों को पकड़ने के लिए हम लोगों की टीम को 36 घंटा लॉज में भाड़ेदार स्टूडेंट बन के रहना पड़ा। उस लॉज में हम लोगों ने मकान मालिक से बात करके कमरा भी लिया, ये एसर्टेन होने के लिए कि कौन आदमी अपराधी है, क्योंकि उसमें 3-4-5 कमरे हैं तो कई लड़के रहते हैं पढ़ने वाले। तो वहाँ पे अनुसंधान करने के बाद 36 घंटों में ये पता चल गया कि किस कमरे में अपराधी हैं, और फिर इन लोगों की गिरफ्तारी हुई। और गिरफ्तारी के बाद इसमें जो भी लूटा हुआ आभूषण था सारा बरामद हो गया है, 20,000 रुपये कैश था जो इन्होंने खर्च कर दिया गया है। रूम में जब रेड हुआ तो रेड से ये बात प्रतीत हुई कि रूम की अवस्था को देख कर ये लोग नशे में पूरी तरह से लिप्त हैं, बहुत सारे सिगरेट के बट्स थे, बहुत सारा पन्नी था, शराब की बोतलें नहीं मिली हालांकि, लेकिन ये लोग लड़के पूरे डिरेल्ड हैं। एक वेपन मिला है पिस्टल जो कि घटना में प्रयोग किया गया है, दूसरे वेपन के बारे में ये लोग बताते हैं कि वो इन लोगों ने बेच दिया है, आभूषण ये लोग बेच नहीं पाए क्योंकि ये लोग डर गए थे, ऐसा इन लोगों का कहना है। सारा आभूषण बरामद हो गया है, चांदी का भी, सोने का भी, 2 मैगजीन है, 15 गोलियाँ हैं, टोटल 4 अपराधकर्मी घटना में थे, 2 मोटरसाइकिल का इस्तेमाल हुआ था, एक पल्सर मोटरसाइकिल थी, एक FZ मोटरसाइकिल थी, दोनों मोटरसाइकिल हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं, दोनों हम लोग बरामद कर लिए हैं,